दोस्तों, जगह करियर इंस्टीट्यूट में मैं सुनील चौहान आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ये जो एक संस्था है, ये हमेशा रिक्वायरमेंट निकालती है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी इसी को कहते हैं एनडीए। इसमें क्या है, अभी जो है हाल ही में रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ देखिए, इसका डेट भी दिया हुआ है कि लास्ट एप्लीकेशन भरने के लिए आपको, यहाँ देखिए ऊपर में ये देखिए दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन लास्ट डेट इसके कब तक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 11/1/2022, यानी आप इस एप्लीकेशन को 11 जनवरी तक भर सकते हैं, 11 जनवरी 2022 तक। इसमें क्या क्या बताया गया है, मैं जो आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ। इसमें खास करके जो है आप लोगों को एज का रिलैक्सेशन रहता है कि एज जो है कितने कितने बीच होनी चाहिए, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें। देखिए, इसमें तीन को मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि इसमें तीनों सेनाओं में भर्ती आती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। देखिए, जो थल सेना यानी जिसे कहते हैं आर्मी, इसमें जो है आप लोगों को देखिए ये लिखा हुआ है आर्मी, आर्मी का 208 पोस्ट है। नेवी यानी कि जल सेना के लिए 42 पोस्ट है। एयरफोर्स में जो है इसमें फ्लाइंग में 92 है। जनरल ड्यूटी जो जो टेक्निकल का होता है उसमें 18 है, और जनरल ड्यूटी जो नॉन टेक वाला होता है उसमें 10 पोस्ट है। और जो है एक एनडीए के साथ साथ एक नेवल एकेडमी भी रहता है, उसमें 30 पोस्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो है आप लोग कुल मिला के जो है आपको कुल मिला के इसमें 400 पोस्ट निकला हुआ है, यानी एनडीए के तहत अभी 400 वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर, आप जो है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर देखो भी इसमें है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर सब दिया हुआ है। आप इसमें से देख लीजिएगा, जिसको जहाँ भी नज़दीक लगे वक्त भरते वक्त वो यहाँ पे अपना सेंटर चुन लेगा आप। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस 12th पास होना चाहिए आपको, मैथ्स या कोई मैथ से भी रह सकता है, या तो कोई नॉन टेक का भी है, यानी कि जो आर्ट या तो आर्ट साइंस है या साइंस साइड से, दोनों साइड से इसमें आता रहता है। इसमें एज का जो है बाउंडेशन रहता है, एज का मैंने पहले बताया था कि इसमें एज देखिए किसने दिया है, 2 जुलाई 2003, यानी कि 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी 2 जुलाई 2003 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बीच अगर आपका डेट है, आप डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में इसमें बाकी सब चीज़ें लिखा हुआ है, बहुत सारा पेज इसमें है, तो इतना मैं बताने के लिए समय नहीं है, यानी इतना बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा नहीं। फीस देखिए, आपको इसमें फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है, फीस आप देख सकते हैं, फीस का जो है आपको मात्र 100 रुपये दे पे करना है, फीस के लिए आपको 100 रुपये ही है। और इसमें जो है बहुत सारा चीज़ में बताया गया है क्या नहीं है। इसमें एक डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये पोस्ट आया हुआ है, अगर जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, इस फॉर्म को भरना चाहता है, तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, ये हमेशा आती रहती है। मैं इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जो है इसका सिलेबस क्या है थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसमें 900 क्वेश्चन आता है, इसके नीचे में वीडियो बहुत बहुत बड़ा इसमें है, बहुत सारा बहुत बड़ा PDF डाला हुआ है इसमें। देखिए यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिलेबस, इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स में 2.5 घंटे का टाइम रहता है आपको, 300 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 2.5 घंटे की समय होती है, 600 मार्क्स का रहता है, कुल मिला के 900 नंबर का रहता है, 900 देखिए नीचे लिखा हुआ है। इसमें जो है आपको एक मैथ का होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें से आज GK GS जो आता है, मैथ GK GS के साथ मैथ के साथ साइंस वाइंस का देखिए मैथमेटिक्स सेलेबस लिखा हुआ है, अलजेब्रा है। उसके बाद इसमें क्या क्या है, मैट्रिक्स जो है, डिटरमिनेंशन एंड ट्रिग्नोमेट्री है, और बहुत सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस की बात करें, यहाँ जनरल अवेयरनेस में देखिए दिया हुआ है, इसमें पार्ट ए में और पार्ट बी करके आता है। इसमें पार्ट ए में इंग्लिश रहती है, और जो पार्ट बी में जो आपको जनरल नॉलेज रहता है, जनरल नॉलेज में जो है आपको फिजिक्स रहेगा, देखिए यहाँ फिजिक्स दिया हुआ है, अब देख लीजिए फिजिक्स दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपको जो इसमें मिलेगा फिजिक्स के साथ साथ देखिए केमिस्ट्री है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद जनरल साइंस आता है, उसके बाद सेक्शन डी में हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट यानी कि हिस्ट्री से आता है, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद करंट इवेंट्स हो गया,
और यही चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है, 11 जनवरी तक लास्ट डेट है, वो अप्लाई कर सकता है। और आपको कोई भी अगर जानकारी लेनी हो, कोई भी अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए इसके बारे में भरने के, कैसे क्या करना है, आप नीचे कमेंट करिए। आपको लिंक नीचे दे दिया जाएगा भरने का। जो भी पार्ट ए, पार्ट वन, पार्ट बी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।